आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस तरह के बैकग्राउंड में कैसे वीडियो लगा सकते हैं, जो टिकटॉक इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सेम साउंड पे वीडियो को शूट किया हूँ, तो आपको कैसे करना है, एक मोबाइल फ़ोन में साउंड को प्ले कर देना है, दूसरे मोबाइल फ़ोन से इस वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ। यदि वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट यदि एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। ये जो आप देख रहे हैं, आपको ग्रीन स्क्रीन को कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है। ब्लैक जब हो जाएंगे आपको, इसके बाद इस लाइन को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, यानी कि बैकग्राउंड जो था आपका ग्रीन कलर का, उसे आपको ब्लैक कर देना है और बॉडी का पार्ट को आपको वाइट कर देना है। इसके बाद फिर भी एडजस्ट नहीं होता है तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको क्रॉप कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है तो क्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर तो मैंने कर चुका, लेकिन सही से एडजस्ट नहीं हुआ, तो कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और अपने वीडियो को थोड़ा लाइटिंग देना चाह रहे हैं तो सिंपल कलर फिल्टर पर आना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और साइड में आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। यदि आप वीडियो फुल बॉडी में शूट करेंगे तो आपको इस वीडियो को कहीं पर भी बीच में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं देख सकते वीडियो मैंने हाफ बॉडी में शूट किया था इसलिए हमें यहाँ पर साइड में एडजस्ट करना है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडो फेट आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।